नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थानी राजपूती स्टाइल में चनलाई की सब्जी बनाने बताऊंगी। इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए आप देखिए। मैंने सबसे पहले लहसुन को छील के इसको इस तरह से टुकड़े काट लिए हैं और प्याज को भी मैंने बारीक चौकड़ी स्टाइल में काट लिया है। और यहाँ पे मैंने नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी और याखी मिर्ची, जो जनरल मसाला होता है, वो हमने ले लिया है। और इसी तरह मैंने चनलाई को इस तरह से चनलाई ले ली है। दोस्तों, देर न करके हम चनलाई की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम चनलाई को इस तरह से ले लेंगे, हाथ में गुच्छा बना लेंगे थोड़ा सा, और हम ये कैची को लेंगे और उससे बारीक बारीक इसको काट देंगे। देखिए, ये सब्जी पेट के लिए काफी अच्छी होती है और काफी स्वादिष्ट बनती है। हालांकि कई जगह पर ये अवेलेबल नहीं होती है, ये काफी राजस्थान में काफी मिलती है सब्जी। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इसे चनलाई की सब्जी कहते हैं। वैसे तो चने की दाल के साथ बनाते हैं, लेकिन मैं इसको आज प्याज के साथ बनाऊंगी। प्याज के साथ सब्जी काफी स्वादिष्ट बनती है। इस तरह से आप सारी सब्जी को बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहे तो उसे चक्कू की सहायता से भी काट सकते हैं। देखिए, आपके पास चक्कू है तो आप चक्कू की सहायता से इसे बारीक बारीक काट सकते हैं। इसको कैंची से आसानी से कट जाती है और आप चक्कू की सहायता से भी इसको काट सकते हैं। राजस्थान में गर्मियों में प्याज इसे बहुत खाया जाता है, हालांकि ये थोड़ी महंगी मिलती है पालक से। इस तरह से हम बारीक बारीक पूरी चनलाई को जाती है। ये लाल डंडे की चनलाई होती है, वो काफी स्वादिष्ट होती है। इसको इस तरह से बारीक बारीक काट लेना, और जब आप पूरा काट लें तो और कैंची कोई पत्ता है तो वो हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए, अच्छी सी बारीक बारीक सी हमने चनलाई को काट ली। चलिए दोस्तों, सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं इसकी। अब हमने ये पैन चढ़ा दिया, इसके अंदर हम एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इस तेल में बनाने में सब्जी काफी स्वादिष्ट बनती है। इसको अब हम गरम होने देंगे तेल को। अब देखिए, ये हमारा तेल गरम हो गया, इसमें से धुआं निकलने लग गया है। तेल को गरम होने के बाद में गैस की जो फ्लेम है उसको बंद कर देंगे। थोड़ी देर तक उसको ठंडा होने देंगे और उसको वापस तेल को बाद में गर्म करेंगे। अब ये हमारा तेल ठंडा हो गया, इसको हम गैस को वापस ऑन करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है आपको। और जो हमने ये लहसुन छीला था और ये टुकड़े करे हुए थे, अब हम इसके अंदर डाल देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमको करना है। तेल को हमने गर्म किया था, फिर ठंडा किया, फिर ऑन किया। अब देखिए, ये हमारा तेल गर्म हो रहा, उसके अंदर हमने जो गार्लिक डाला है वो इसके अंदर सिक रहा है। इसको हम सिकने देंगे। थोड़ा सा ब्राउन कलर होने देंगे इसको और इस तरह से चलाते रहेंगे। इसमें जनरली लहसुन का ही बघार लगता है, ये पेट की कई समस्याओं को भी दूर करती है। जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए ये सब्जी काफी लाभप्रिय है। अभी हमारा लहसुन सिक गया, इसमें दो हम मिर्ची डाल देंगे। आखी मिर्ची को डालेंगे। ये जो हम साबुत मिर्ची डालते हैं, इसका स्वाद काफी अच्छा आता है, इससे सब्जी में खटाई भी आ जाती है। कुछ मिर्ची ऐसी होती है जो सब्जी में खटाई छोड़ती है। ये हमारा लहसुन सिक गया है, ये चनलाई को हम इसके अंदर डाल देंगे और ऐसे हिलाते जाएंगे। और इसको हिलाएंगे अच्छी तरह। ये चनलाई जल्दी बन जाती है। अभी देखिए, हम इसको इसके अंदर इस तरह से हिलाएंगे, इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे। जब आप इस तरह से बनाएंगे सब्जी, तो आपकी सब्जी काफी स्वादिष्ट और विटामिन से भरपूर रहेगी। लो फ्लेम पे इसके सारे जो प्रोटीन है वो जलते नहीं है। जैसे हमको ये मिर्ची दिख रही, तो हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे ताकि ये सब में सब्जी में इसका मिला। एक और मिर्ची जैसे है, इसको हम भी बारीक बारीक ऐसे छोटे छोटे काट लेंगे ताकि अंदर का सारा जो है
चूसाई जैसे का सब्जी को इस तरह से हमने काटना है और इसको हिलाएंगे अब सब्जी को। अब हम चार ऐसी मिर्ची ले लेंगे अक्की और इसको इस तरह से बारीक बारीक कूट लेंगे। बारीक करने पर इस तरह से हो जाएगी और हम इसको इसमें डाल देंगे। हम अक्की मिर्ची हमने कूट के डाल दिया था, थोड़ी सी लाल मिर्ची अब हम और डाल देंगे। अब ये हम धनिया भी डाल देंगे 2 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से, लेकिन जो गैस की लो है वो बहुत कम रखेंगे ताकि हमारी ये सब्जी जले नहीं। इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे। इसमें से काफी अच्छी सी खुशबू आ रही है, जब ये बनती है जब उसमें खुशबू काफी अच्छी आती है। देखिए अब हम इस पे इस तरह से ढक्कन लगा देंगे, 5 मिनट के लिए रखेंगे। अब हम इसको खोल के हिलाएंगे। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, मैं 1 चम्मच डालूंगी, छोटा चम्मच है, ज्यादा नमक न डालें, स्वाद अनुसार आपके परिवार के हिसाब से आप नमक डालें, 1 चम्मच काफी होता है। हमने नमक मिक्स कर दिया, अब इसको हम ढक देंगे, 5 मिनट तक रखेंगे। अब देखिए अब हम इसको चेक करेंगे, बाकी हमारी सीख गई है, ये हमारी चलनई बन चुकी है। देखिए चलनई हमारी सीख गई है, इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे। इसमें मिर्ची की खटाई काफी अच्छी आ चुकी हुई, जो कि हमने आपकी मिर्ची डाली है उसके बीज होते हैं, मिर्ची के जो बीज होते हैं उससे सब्जी में बहुत अच्छी सी चुसाई आ जाती है। अब हम इसके अंदर जो हमने ये प्याज काटे थे वो सारे हम इसके अंदर मिला देंगे और उसको अच्छी तरह हिलाएंगे। अच्छी तरह के पास में इस तरह का पैन नहीं तो आप ढक्कन लगा दे सकते हैं और ऊपर ढक्कन पे थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि उसकी जो स्टीम है नीचे गिरेगी उससे आपकी सब्जी काफी सिकेगी अच्छी और टेस्टी भी काफी बनेगी। उसमें पानी नहीं डालना आपको, जो इसकी स्टीम होती है वही इसके अंदर गिरने देना है ताकि आपकी सब्जी और भी स्वादिष्ट बने। अब हम इसको खोलेंगे, देखिए हमारी सब्जी तैयार है, अच्छी से सब्जी तैयार हो गई ना, प्याज और चनलाई की सब्जी। अब प्याज और चनलाई की सब्जी तैयार है, आप इसे गरम गरम परोसिए। तई की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।